अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिकनी फुल ब्लॉग। और आज जो मैं आपको ऐसे पॉइंट पर लेकर आया हूँ, आपने मेडिकल स्टोर्स तो बड़े बड़े देखे होंगे, बड़े बड़े शहरों के अंदर मेडिकल स्टोर्स हैं और बड़े बड़े पॉइंट हैं मेडिसन की परचेज़ और सेल के लिए। लेकिन दही इलाके में एक ऐसा मेडिकल स्टोर जिसके मुनासिब रेट्स भी हैं और हर किस्म के अद्वियात जो हैं वो यहाँ पर दस्तियाब हैं। उसके अलावा जो है इसके साथ एक जनरल स्टोर भी उन्होंने बनाया है। तो जिस शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उसने कितनी मेहनत की है और इनकी जो क्वालिटी है मेडिसन की और इनकी जो डिमांड है, ये जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा रुख करते हैं। एक देहाती इलाके में आप देख रहे हैं ये मलिक दाऊद फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर जो है मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। और इनके साथ ही आप देख रहे हैं एक साइड पर ये एक शॉपिंग सेंटर जो है ये भी इन्होंने एक सेटअप किया है। तो अब इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको उस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ। लेकिन छोटी सी गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मैं आपको उस मालिक से जो है वो मिलाने जा रहा हूँ जिस मेडिकल स्टोर का सेटअप जो है वो चला रहा है। जी नाज़रीन, जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? आसिफ जिलानी। आसिफ जिलानी जी, तो भाई ये जो आपका मेडिकल स्टोर है दाऊद मेडिकल स्टोर जी, इसकी जो रेपुटेशन है और माशाल्लाह ये जो आपने इतना सेटअप बनाया हुआ है जी, और ये यहाँ पे गाहक भी बहुत ज़्यादा रुख करते हैं और ये एक देहाती इलाका है, बैकवर्ड इलाका है। हालांकि शहरों में भी बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वो तो एक अलग सिचुएशन है, वहाँ पे तो कंपटीशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इतना माशाल्लाह आपकी रेपुटेशन और इतना सेटअप जो है, ये कितना अर्सा हुआ आपके इस मेडिकल स्टोर को कब बनाया? जी ये मेडिकल स्टोर हमने 2015 में स्टार्ट किया था यहाँ से जी, तो अब तकरीबन 6 साल हो गए। अच्छा, तो ये जब आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इसके स्टार्ट में मतलब है कि कितने एक ये दुकान से छोटी थी? जी बिल्कुल छोटी दुकान थी और मतलब नॉर्मल स्टार्ट लिया था जो एरिया के लिहाज से हमने जी। और इन्वेस्टमेंट कितनी किया आपने उस टाइम? तकरीबन 10 लाख इन्वेस्टमेंट थी हमारी। 10 लाख? तो अब ये जो मेडिसन है तकरीबन कितने के ये इसके इन्वेस्टमेंट है ये जो नज़र आ रही है सामने सर? ये तकरीबन 25 से 30 लाख की मेडिसन पड़ी है। अच्छा, 25 से 30 लाख। तो आपने इतना जल्दी ग्रो किया, इसके पीछे क्या रीज़न है? बाकी भी लोग आपसे पहले भी ये सेटअप बने हुए हैं लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। असल में मसला ये था कि यहाँ जो हमारे पास है तो मेन बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जी, तो जो मेन जो डॉक्टर की पर्ची वगैरह है तो वो हमने यहाँ अवेल की है लोगों के लिए, जिस वजह से ये सेटअप कामयाब हुआ। नहीं ये तो बात ठीक है आपकी, ये तो कॉमन चीज़ है, बाकी जो लोग उनके पास भी ये होता है सर। लेकिन और क्या एक इंफरादी चीज़ है कि जिसकी वजह से लोग जो है उनको ज़्यादा इंप्रेस हैं और यहाँ पर रुख करते हैं? असल में वजह यह है कि जो आइटम ना मिले ना जी वो नॉर्मल चीज़ें मेडिकल स्टोर वाले चेंजिंग कर देते हैं जी, तो हमने ये कोशिश की कि जो डॉक्टर ने लिखी है वही मेडिसिन इनको अवेल की है। अच्छा, तो मैं भी आपकी एक चीज़ से इम्प्रेस हुआ हूँ कि मैंने मेडिसिन एक और जगह से भी ली है और फिर आपके पास से भी लिया, तो उसमें एक डिफरेंस था प्राइस का जी, जी। मेरे ख्याल में ये चीज़ भी काउंट करती है? जी बिल्कुल करती है, जितना लेस करेंगे आप। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब है कि लेस करना पड़ता है, मतलब अब 40% होता है तो कम अज़ कम लेस करके मेडिसिन जहाँ से मिलेगी आप वहीं मतलब जो होगा। अच्छा, तो उसके अलावा ये जो कंपनी होती है मेडिसिन की उस ये भी काउंट करती है एक अच्छी कंपनी की मेडिसिन? जी बिल्कुल, हर कंपनी मतलब वो अपने एक ट्रेडिंग कंपनी है, जो पाकिस्तान में मेडिसिन बन रही है, जो बाहर की मल्टीनेशनल है, तो मेडिसिन का फ़र्क ज़रूर होता है इसमें। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप अद्वियात रखते हैं क्या होम्योपैथिक की अद्वियात भी होती हैं? नहीं होम्योपैथिक, एलोपैथिक होगी, इंग्लिश और कर्ची हमदार देसी। अच्छा, तो जानवरों की अद्वियात भी मिल जाती है यहाँ से? जानवरों की भी और वैक्सीन वगैरह हर चीज़ यहाँ। अच्छा, तो आपके ख्याल में कौन सी अच्छी कंपनी है इस वक्त मेडिसिन की जो ज़्यादा ग्रो कर रही है और वो लेनी चाहिए? कंपनियाँ तो तकरीबन जो मल्टीनेशनल हैं वो सारी अच्छी हैं।
तो आप गेट्स कर लें। अब सामी इंटरनेशनल कंपनी है लेकिन वो मल्टीनेशनल का मुकाबला कर रही है, तो उस पर प्रोत्साहन मिले। अच्छी कंपनी है सारी तकरीबन। तो यहाँ पे कितने जो है आपके साथ जो मावेन है वो कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं? जी जो वर्कर है मेरे साथ वो चार वर्कर काम कर रहे हैं, दो हम भाई। अच्छा, तो एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जो है वो मेडिसिन का लोग कारोबार शुरू भी करते हैं, स्टोर बनाते हैं, वो फ्लॉप हो जाते हैं, उसकी क्या वजह होती है, क्यों फ्लॉप होते हैं वो? फ्लॉप मेन चीज़ तो यही है कि मेडिसिन चेंज करेंगे अगर गलत मेडिसिन देंगे, और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो आपके रेट हैं। अगर रेट एक का एक जो कस्टमर है वो जोराबाद से या दूसरे एरिए से ले रहा है मेडिसिन वो 700 की बन रही है, तो अगर हम 1000 की पे करेंगे तो लाजमी बात है वो नहीं आएगा दूसरे। तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे रवैया जो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि रवैया भी तो काउंट करता है ना, अगर आप बाय खलाक होना जो है वो जी हमारा एरिया जो है देहाती है जी, जो है ना बड़े शहर हैं उनमें तो ये चीज़ काउंट नहीं होती हर चीज़, लेकिन देहात में जो है ये मेल मिलाप ये खुश अखलाकी ये लाजमी बात है, कारोबार जो भी हो उसमें अखलाक तो जरूर। अच्छा, ये मेडिसिन की जो आपने सेटअप बनाया है, अच्छा इसमें आपको कौन कौन सी मुश्किलात शुरू में पेश आई? मुश्किलात काफ़ी होती हैं क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया था। पहली बार सबसे बड़ी जो टेंशन थी कि यहाँ जो मेडिसिन की कंपनी है जी वो मुकम्मल नहीं आती थी। अच्छा, मतलब कुछ कंपनियां यहाँ आ रही थी और कुछ जो है ना वो मेडिसिन यहाँ सप्लाई नहीं कर रही थी। अच्छा, तो ऐसे ऐसे अब ये रूटीन बनी है कि सारी कंपनियां यहाँ पहुँच रही हैं। अच्छा, अब कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी मेडिसिन भी है सुना है कि जिनके ऊपर जो है वो कोई पाबंदी वगैरह लग चुकी है, वो किस किस्म की मेडिसिन है? ये पैनाडोल एक्स्ट्रा के बारे में हम सुन रहे हैं कि इसके ये क्या वजह है? नहीं, वो पाबंदी वगैरह नहीं है जी, पैरासीटामोल फार्मूला जो है वो मुकम्मल शार्ट हो गया। अच्छा, लाहौर में डेंगी या ये जो कोरोना वायरस है उसमें ये यूज़ हो रहा था जी, तो उसमें ये प्रॉब्लम बनी है कि वो मार्केट में ज़्यादा चलने की वजह से खपत की वजह से वो शार्ट हो। अच्छा, जब आपने दुकान मतलब सिस्टम शुरू किया था, स्टार्ट किया था, उस वक्त से लेकर अब तक जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं उसमें कितना इजाफा हुआ, कितने परसेंट हुआ है? ये जो पॉइंट है ये तो आप ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि जब ना तकरीबन 2017 से पहले जी मेडिसिन बहुत कम ही जो है ना उनके इजाफा हुआ कीमतों में, लेकिन 2018 के बाद तकरीबन 100-150% इजाफा हो गया एक मेडिसिन। अच्छा, ये आपके लिए मसला नहीं बनता कि अगर आप मेडिसिन एक प्राइस पर लेके आते हैं फिर उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है जी, या अचानक कोई उसको कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, इनक्रीज, उसमें क्या फिर वो मैनेज करते हैं? इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमने जो चीज़ 100 की परचेज की है और 110 में सेल कर रही है तो 110 में ही सेल होगी, चाहे वो पिछली रिटेल वाली हो, क्योंकि मेडिसिन वो ऐसी चीज़ है कि जो लिखी हुई चीज़ है वही हमने रिटेलर से लेनी है, ग्राहक से लेनी है। अच्छा, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बीमारियाँ मुख्तलिफ हैं, बुखार है, कॉलरा है, ठीक है, टाइफाइड है, उसके बाद कैंसर है, मुख्तलिफ डिजीज़ है, कौन सी बीमारी की जो अदवियात हैं वो ज़्यादा जो है वो सेल हो रही हैं, या इससे कम अज़ कम रेशो का अंदाज़ा लग सकता है कि कौन सी बीमारी जो ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी अदवियात जो ज़्यादा सेल हो रही हूँ? अभी तो एक साल से देख लें तो तकरीबन जो मेडिसिन है वो तो यही एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल हो रहा है कोरोना के, या अब सीज़न है खांसी जुकाम वगैरह चेस्ट इन्फेक्शन, तो जो ओवरऑल बात की जाए ये तो मौसमी बीमारी है, ओवरऑल शुगर ब्लड प्रेशर ये दो जो है ना बीमारी। अच्छा, इनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा सही है। मेरे ख्याल में आपकी ऑनेस्टी, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, ये चीज़ें और आपकी डीलिंग जो है ग्राहक के साथ ये काउंट करती है, यही वजह है कि मेरे ख्याल में ये तीन जो चीज़ें हैं ना ये ऐसी होती हैं कि जिससे जो है वो क्लाइंट्स जो है वो आपकी तरफ रुख करते हैं और लोग जो है वो खिंचे चले आते हैं, और इससे फिर कारोबार जो है वो भी कोई भी कारोबार ग्रो करता है। और इस देहाती इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का सेटअप देख कर मैं खुद जो है वो मुतासर हुआ हूँ जी। ये काफ़ी मेहनत है और ये हमारा पुराना मतलब ख्वाब था कि हम अपने एरिया में इस तरह की फार्मेसी बनाएं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जो पूरी तहसील है इस किस्म की फार्मेसी है, इस स्टेज की नहीं बनी अभी। अच्छा जी, तो ये आपने एक स्टोर भी साथ स्टार्ट किया था, तो उसका जनरल स्टोर वो भी हमारे ख्याल में माशाल्लाह कारोबार बड़ा अच्छा आपके इस मामले में रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी क्योंकि मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के जो आइटम है ना वो काफ़ी सारे सेम होते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह जी, तो हमने वो ज़रूरत महसूस की कि जो बंदे यहाँ से कॉस्मेटिक्स तक पूछ रहे थे वो जनरल स्टोर साथ ना हो। अच्छा, और ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपका जो है ना ये सेटअप और ये रैक्स और ये सारा आपकी सीलिंग और पूरा एक सिस्टम आपने ऐसा मैनेज किया हुआ है कि वाकई लगता नहीं है कि ये आपका जो है ना मतलब एक देहाती इलाका है जी, लगता है कि जैसे कोई मेन सिटी हो है।
और मेन सिटी के अंदर जो है ये कोई सिस्टम जो है वो सेटअप किया गया हो। तो मेरे ख्याल में आपने इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, मेहनत की है, वर्क किया है और सिंसियरिटी आपकी, सिंसियर फीलिंग है आपकी, ठीक है। ये तो दिन रात सोचने से ही इतना काम हुआ है। जी जी जी। तो अच्छा, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने वक्त दिया। तो जी नाज़रीन, भाई आसिफ जो थे यहाँ पे दाऊद मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ पे आपने देखा कि उनका ये सेटअप पीछे आप देख रहे हैं, पूरा उन्होंने बताया कैसे ये उनके ये बिज़नेस जो है मेडिसिन का उसने ग्रो किया है, क्योंकि बिज़नेस जो है उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है, मैनेजमेंट ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जो इंसान को पापड़ पेलने पड़ते हैं वो क्या है, वो ये मेन चीज़ होती है कि बाइखलाक होना ज़रूरी है, फिर प्राइसेस जो है उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत काउंट करती है, क्योंकि जितनी डिजीज़ ज़्यादा आ गई हैं, फिर मेडिसिन हैं मुख्तलिफ जो है वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं डॉक्टर के नुस्खाजात जो वो लिखे होते हैं वो लोग लेकर आते हैं, अगर मेडिसिन अच्छी नहीं मिलेगी, क्वालिटी की नहीं मिलेगी, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होते हैं, दोबारा वो जो क्लाइंट आता ही नहीं है उसका अतमाद उठ जाता है, और ये रिश्ता होता ही अतमाद का है। कोई भी बिज़नेस हो उसमें गाहक और जो ओनर होता है शॉप का या कोई मेडिसिन कंपनी का जो भी, उसका अतमाद का रिश्ता होता है, वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा लोग रुख नहीं करते हैं, क्योंकि अब जगह जगह पे जो है ना ये चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन क्वालिटी की चीज़ें उसका मिलना बहुत मुश्किल है। इसी अपडेट के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।